YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेयर जो की काफी बेहतरीन शेयर था, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर क्रैश देखने मिल रहा है। तो ये स्टॉक्स क्रैश हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक्स में, तो पूरी तरह से टेक्निकल चार्ट पर हम इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, जो कि आप चेक कर सकते हैं screener.in पे। यहाँ पर हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, जो शेयर प्राइस का चार्ट है उसके टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा रिटर्न भी दिया जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। अब सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि डेली चार्ट पर देखिए, ये एक रेसिस्टेंस लाइन था अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही, और यहाँ पर ये स्टॉक्स जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट पर जो भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाय किए थे, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, कौन सा ब्रेकआउट सक्सेस होगा, उसको बिना देखे यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने आंख बंद करके बाय किया तो पूरी तरह से ये स्टॉक्स आपको ट्रैप कर लिया, और किस तरह से ये फेक ब्रेकआउट को आप पहचान सकते थे वो देखिए यहाँ पर। इसमें कोई भी वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम तो आ रहा था, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला। वॉल्यूम का सपोर्ट मतलब जो ये एवरेज वॉल्यूम वाला लाइन है, इस एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर पहले ही सिग्नल यहाँ पर मिल चुका था कि वॉल्यूम यहाँ पर जो आसपास का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर रेड कैंडल्स पे यहाँ जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा। यहाँ पर हुआ क्या, जो भी इधर नीचे के लेवल पर बाय कर रखे थे वो यहाँ पर सेल करके निकल रहे थे, और थोड़ा सा ये रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर पैनिक किया गया। मतलब पहले ऊपर ले जाया गया, उसको बाय कराया गया, और उनको जो भी यहाँ पर बड़े बड़े स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर अपना सेल करके स्टेक निकल गया इस स्टॉक से, या कहे यहाँ पर उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी अपना सेल कर लिया, और उसके बाद इस स्टॉक को नीचे लाया गया। हालांकि यहाँ पर स्टॉक्स लगातार रेड कैंडल बनाते हुए इस सपोर्ट के पास आया, और यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ। आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद फिर से काफी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर स्टॉक्स जो इस तरह से आया, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से दिखाया गया कि ये स्टॉक्स बुलिश हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक्स बुलिश कब होता, जब ये अपने नेक लाइन, ये जो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा था यहाँ पर इस नेक लाइन को ब्रेक करता, अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो ये स्टॉक फिर से बुलिश हो सकता था या साइडवेज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ये नेक लाइन को ब्रेक ना करके यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया और काफी जबरदस्त पिछले दो दिन में गिरावट इसमें देखने मिला है। तो ये कहानी हो गया किस तरह से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं जो फेक ब्रेकआउट होता है उसपे। तो जो ब्रेकआउट सक्सेस होगा उसको पहचानना काफी जरूरी है। इसको पहचानने के लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लगातार वॉल्यूम जो है आपको बीच बीच में जो हाई वॉल्यूम दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, रेड कैंडल। बीच में हमें कभी भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम जो है इस रिस्पेक्ट में नहीं दिखने मिला जितना कि रेड कैंडल का वॉल्यूम है। अगर इसी रिस्पेक्ट में हमें रेड कैंडल का साथ साथ ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखने मिलता तो हो सकता था स्टॉक यहाँ पर साइडवेज हो जाता। अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखने मिलेगा, मतलब जो बाइंग वॉल्यूम देखने मिलेगा, तो स्टॉक बुलिश होगा, और यहाँ पर सिर्फ सेलिंग वॉल्यूम देखने मिला है तो स्टॉक पूरी तरह से बेरिश है, और अभी इसके ऊपर जाने की कोई भी संभावना नहीं है जब तक ये एक साइडवेज मूवमेंट करता है, एक रेंज बनाएगा, और रेंज को जैसे ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हम यहाँ पर वेट करेंगे स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो, एक रेंज बनाए, फिर रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे। अब हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे हम जैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन हो गया। फिर ऊपर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए हमारा रेसिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन हो गया। तो ये ऊपर जो है रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, नीचे जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो अब यहाँ पर देखिए, सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर आया, ये वीकली चार्ट है, और थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लिया वन वीक के लिए, और अगले ही वीक यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिला। अब यहाँ पर बात करें सपोर्ट का, तो देखिए ये सपोर्ट रीजन है। देखिए यहाँ पर पहले भी ये स्टॉक रेसिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है जो कि 1860 रुपए का, 1860-1850 ये सपोर्ट लेवल लेके चल सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक्स में एक और बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर ये स्टॉक नीचे जो है काफी नीचे तक आ सकता है, जो कि यहाँ पर लेवल होगा
1500 रुपये का। अगर ये 1850 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर ये 1500 रुपये तक ये स्टॉक्स आसानी से आ सकता है। देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस है तो हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो ये स्टॉक्स आने वाले समय में कैसे परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड होगा, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक्स काफी वीक है। किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को अभी गिरावट में ऐड करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इस स्टॉक्स को गिरने देना है। जैसे ये कोई साइडवेज रेंज बनाए और उस साइडवेज रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस रहने वाला है जिसके ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक पूरी तरह से हम बुलिश कहेंगे, वो है 2600 रुपीज। और जैसे ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को कभी क्रॉस करता है जो कि है 3565 रुपीज का, तो ये स्टॉक्स पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। तो उस समय हम जब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो इस स्टॉक को हम सुपर बुलिश बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर हम इस स्टॉक्स को बेरिश बुलिश साइडवेज बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।